अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 आज हम करने वाले हैं। चैनल पर पहले से ही चैप्टर 1, चैप्टर 2, 4, 6, 7 एंड 10, 12 अपलोडेड है। 6 और 12 कम्प्लीटली अपलोडेड नहीं है, वो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट करवा रही हूँ, जो कि बहुत बहुत सिंपल है और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके आते रहेंगे मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी। ओके, अच्छा इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो अगर बना सकी तो बना दूंगी, अदरवाइज मैं यहाँ आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर कर देती हूँ। क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर स्केलर एंड वेक्टर। देखिए, स्केलर एंड वेक्टर का टॉपिक जो है आप फिजिक्स में ही पढ़ते हैं और शायद पढ़ भी लिया हो, और इसके अलावा 9th क्लास में पढ़ 9th मैचिंग में पढ़ा ही होगा। हाँ, 1st टर्म में भी आप इसको पढ़ेंगे कि स्केलर और वैक्टर क्वान्टिटीज क्या होती हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोवाइड कर दूं, और आपको किस किस को क्लासिफाई करना है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ये रही वो क्वांटिटीज जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है कि स्केलर कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनमें से जिन भी चीज़ों को डायरेक्शन के साथ मेजर किया जाए, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे कि हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फोर्स की बात करें कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, जैसे 5 न्यूटन, और डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर होगी। अच्छा, डायरेक्शन कैसे किस चीज की हो सकती है, जैसे अगर हम फोर्स जो कि पहला हमारा पार्ट है उसी को पिक करके चेक करें कि डायरेक्शन किस तरह होती है किसी चीज की, इस पर डायरेक्शन डिपेंड करती है या नहीं, तो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें टाइट्स लगे हुए हैं और बॉक्स है। अगर हम एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि अगर मैं अपने हाथ से देखूं राइट डायरेक्शन में 60 न्यूटन और 30 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तो एक ही डायरेक्शन में है ना राइट, तो उसको हम सम कर सकते हैं और वो बन जाएगा 90 न्यूटन टू द राइट। और जो ये गाड़ी है, ठेला जो भी है, ये राइट साइड पर मूव करने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आप देखें दूसरी पिक्चर देखें, जिसमें एक साइड लेफ्ट पर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और जबकि राइट पर 30 न्यूटन लग रही है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, सही है। तो क्या होगा, जो 10 न्यूटन जो इस साइड से बंदा फोर्स लगा रहा है ना इस साइड करने के लिए, ठीक है, और 30 न्यूटन तो जो ज्यादा वाली फोर्स है ना उस तरफ वो मूव कर जाएगा, जो भी है आपकी गाड़ी है जो भी चीज है वो इस तरफ मूव कर जाएगी, जबकि जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है वो नहीं मूव करेगी, और 30 न्यूटन जितना मूव नहीं कर पाएगी। इस 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन जो है वो 30 में से माइनस हो जाएगा। ये डायरेक्शन पे इतना डिपेंड कर रहा है कि देखें फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो वो सम नहीं हो रही, वो उसको कैंसिल कर रही है। तो इसका मतलब कि फोर्स तो पक्का डायरेक्शनल है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी तरफ वो मूव करता है, और इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड क्या चीज़ है और वेलोसिटी क्या चीज़ है, अगर मैं इन चीज़ों को मैं बताऊँ आपको, अब मैं चार्ट भी बना दूंगी, तो आप देखें स्पीड और वेलोसिटी एक तरह से इन दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है। स्पीड क्या चीज़ होती है, देखें भाई अगर मैं कोई एक पेज ही लिखने लगी हूँ और मैंने कहा कि उसे मैंने 5 मिनट में एक पेज जो है मैंने लिख लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो स्पीड है वो 5 मिनट पर पेज है। अगर मैं गाड़ी की बात करूं और मैंने बोला कि वो इतने मिनट में जो है वो यहाँ पहुंच जाती है, तो मैं बोल दूंगी भाई इतने किलोमीटर जो है इतने मिनट में एक ट्रैवल करती है, तो मतलब जैसे 5 किलोमीटर वॉट एवर पर मतलब मिनट्स के हिसाब से लगा देंगे, तो स्पीड कहलाएगी। अब मैंने यही कह दिया, डायरेक्शन दे दी कि कार मूव टूवर्ड ईस्ट और वेस्ट और एनीथिंग और विथ मतलब इतने किलोमीटर इतने मिनट में, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्शन का इंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क है। और इसी तरह अगर आपको मालूम करना है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, तो इन सब ने यही बातें, चलो आप एरिया को देखते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है, देखिए जो पेज जिस पेज पर मैं काम कर रही हूँ इसका भी कोई ना कोई एरिया है। एरिया कैसे निकलेगा इस पेज का कि भाई मैं क्या करूंगी, इसकी जो विड्थ है उसको इसकी लेंथ से कर दूंगी मल्टीप्लाई, मतलब ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो क्या मुझे डायरेक्शन डायरेक्शन देखनी है, क्या मैं इसको यहाँ से यहाँ मेजर नहीं कर सकती, मतलब मैं इसको किसी भी साइड से मेजरमेंट कर सकती हूँ। एरिया डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे रूम का एरिया या किसी और
स्ट्रीट का एरिया, तो इसका मतलब कि मैं कहीं से भी मेजरमेंट स्टार्ट करूंगी एरिया जो है वो सेम आएगा, भले मैं राइट टू लेफ्ट मेजरमेंट करूँ, लेफ्ट टू राइट करूँ। अब जो टेबल आपको शो हो रहा है उस टेबल में जो है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज अलग अलग मेंशन हुई हैं, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलेरेशन, फोर्स, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीच नहीं होती है, ये डायरेक्शन नहीं रखते, हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इन 1 से लेकर 9 तक को भी स्केलर और वेक्टर में अलग कर दें। अब जैसे फोर्स, क्या फोर्स स्केलर में लाई करेगा? बिल्कुल, फोर्स स्केलर में लाई नहीं करेगा, वेक्टर में लाई करेगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया फोर्स, आप लोग चाहे तो अलग से पार्ट लिखकर भी फोर्स लिख सकते हैं, खैर ये एमसीक्यू उसमें आता है तो आपको बस समझ माना जरूरी है, लिखने का तरीका कोई से भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्पीड बताएं स्केलर में आएगा वेक्टर में आएगा? स्पीड आएगा स्केलर में, तो मैंने स्पीड लिख दिया। ठीक है, ये आमने सामने नहीं है, ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको कंपेयर करना है, ऐसी कोई कंपेयरिंग नहीं है। अब वेलोसिटी क्या है, स्केलर या वेक्टर? बिल्कुल, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैंने वेक्टर में लिख दिया। ठीक है, और ये इसके बाद क्या है, एरिया, एरिया भी अभी हमने पढ़ा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने इसको एरिया को जो है स्केलर में लिख दिया। मैं स्केलर लिखने वाली थी जबकि एरिया लिखना है मुझे यहाँ पे, स्केलर तो मैं लिख चुकी हूँ। एक्सेलरेशन आपको चार्ट में भी दिखाया था कि जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और क्यों है इसकी वजह जो है मैं आपको फिजिक्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। सही है, ओके, अच्छा, बाकी आपसे याद भी रख सकते हैं। आप वर्क, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप यहाँ मेंशन करें। वॉल्यूम, वॉल्यूम जब एरिया स्केलर है तो वॉल्यूम भी स्केलर ही हुआ ना, तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेट, वेट वेक्टर क्वांटिटी, पता है क्यों? जो किसी भी बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना, वो डायरेक्टेड टुवर्ड डाउन होता है, मतलब अर्थ की तरफ होता है, तो उसकी एक डायरेक्शन हो गई ना, डायरेक्शनल हो गया वो, तो इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी में ही लेकर आएंगे। अभी नहीं सोचेगा कि हमारा वेट क्या लेफ्ट होता है क्या राइट होता है जो हम डायरेक्शन में लाए, भाई ये तो स्केलर हुआ, नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ क्योंकि ग्रेविटी से इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब लास्ट क्या रह गया हमारे पास, मास। मास जो होता है वो ओवरऑल मास होता है, उस पर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, होता तो है लेकिन वैसे जब वो होता है तो वेट बन जाता है। फिलहाल आप मास को स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे, फिलहाल क्या होता ही स्केलर है। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी होता है जबकि इसकी बनिस्बत जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ पर मुकम्मल, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था, जिसमें एक्सेलरेशन और वेट को, वेट को मैं समझा चुकी हूँ, एक्सेलरेशन को मैं समझा ही देती हूँ। देखिए, जब कोई पर्सन हो वो यहाँ हो और से यहाँ से यहाँ आना हो, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज हो एक तरह से ना, बल्कि ये तो डिस्प्लेसमेंट समझा रही हूँ मैं, एक्सेलरेशन यू समझे कि वेलोसिटी का जो चेंज होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और डायरेक्शनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हुआ मुकम्मल, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल पर जो है बाकी चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं, आप लोग वो भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।